गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक पर चर्चा करेंगे। इसमें प्रोज पर, पोएट्री प्ले, शॉर्ट स्टोरी पर कितने कितने अंक दिए जाते हैं। पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। प्रोज से दो पैसेज दिए जाते हैं जिसमें एक पैसेज का एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें लिखा जाता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेंट ऑफ एनी वन पैसेज। एक पैसेज का पहले रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस में रिलेशन का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है। इसके बाद कंटेंट आता है, कंटेंट उस पैसेज का भाव लिखा जाता है और इसके बाद एक्सप्लेन अर्थात पैसेज की व्याख्या की जाती है। अगर इतना कर लेते हैं तो इस पर 8 अंक दिया जाता है। इसमें भी आता है एक शॉर्ट आंसर लिखना होता है, दो दिए जाते हैं, एक शॉर्ट आंसर देते हैं जिसमें जो है 30 वर्ड लिखना होता है और उस पर 4 अंक दिया जाता है। सी है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी टेक्स्ट बुक पर आधारित दी जाती है और यह वोकैबुलरी 4 होती है, चारों पर एक एक नंबर दिया जाता है तो टोटल मिलाकर 4 अंक वोकैबुलरी पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पोएट्री। पोएट्री में पहले दो स्टंजा दिए जाते हैं और दोनों स्टंजा में एक स्टंजा का एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, ये जो है एनी वन स्टंजा माने दोनों स्टंजा में से एक स्टंजा का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस और कॉन्टेस्ट लिखा जाता है। तो पहले इसमें लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में पोयम का नाम और पोएट का नाम लिखा जाता है, उसके बाद कॉन्टेस्ट लिखा जाता है। कॉन्टेस्ट उस स्टंजा का मूल भाव होता है और इसके बाद उसी स्टंजा की व्याख्या की जाती है जिसे एक्सप्लेन कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और अगर इतना कर लेते हैं तो इस पर 8 अंक दिया जाता है, 8 अंक मिलते हैं, 8 अंक मिलते हैं। और इसके बाद बी आता है, इसमें सेंट्रल आइडिया, तीन पोयम दी जाती है, तीनों पोयम में से एक की सेंट्रल आइडिया लिखी जाती है। सेंट्रल आइडिया पर जो है 6 अंक निर्धारित होता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 प्ले होता है। प्ले पर दो लॉन्ग आंसर दिए जाते हैं जिसमें एक लॉन्ग वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 75 वर्ड्स जो अगर करते हैं उस पर 8 अंक दिए जाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, और शॉर्ट स्टोरी से दो प्रश्न दिए जाते हैं और दोनों 30 वर्ड के होते हैं। लिखा रहता है टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 वर्ड का रहता है और दोनों पर 4-4 अंक निर्धारित होते हैं, 4-4 अंक दिए जाते हैं, टोटल मिला करके 8 अंक निर्धारित किया जाता है, 8 अंक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें दो प्रश्न दिए जाते हैं। एक प्रश्न डिफिनिशन पर आधारित होता है, किसी सिमिली या मेटाफर या हाइपरबोल किसी की जो है डिफिनिशन लिखी जाती है और उसका एग्जांपल भी लिखा जाता है और उस पर जो है 2 अंक निर्धारित किया जाता है। इसके बाद जो एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल दोनों अगर सही होते हैं एक एक एग्जांपल पर एक एक अंक निर्धारित होता है और दोनों पर 2 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच में 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर विद्यार्थी अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं तो
टेक्स्ट बुक पर अच्छे से अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जो है तैयारी विधिवत होनी चाहिए, तभी जो है लिटरेचर पर बढ़िया अंक मिलता है। बकायदा ग्रामर पोर्शन जो है, ग्रामर पोर्शन अगर ठीक रहता है तो उस पर अच्छे अंक मिलते हैं, नहीं तो कम अंक मिलते हैं। अगर तैयारी अच्छी होनी चाहिए।